कांग्रेस का जमाना खत्म हो चुका था। मैं 90 की बात कर रहा हूँ। अपने परेशानी के बारे में क्या बात करूँ, गांव ग्रामीण इलाके में लोगों को जो छोटा किसान है बहुत परेशानी। मैं हिंदी गानों से मुझे बहुत लगाव है। आई थिंक व्हेन वी एंटर द हाउस शी टेक्स ऑफ हर जर्नलिस्ट हैट एंड आई टेक ऑफ माय पॉलिटिशियन हैट। आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान आरपीएन सिंह से मिलवा रहा हूं जो खेती करवाता है, अमेरिका में बस जाना चाहता था, पिता की अचानक मृत्यु हो गई, वापस आना पड़ा और फिर हालात ऐसे हो गए कि ना चाहते हुए भी सियासत में उतरना पड़ा। बचपन की पहली याद जो आपको बहुत बेहतरह याद हो, जिसने आपको आपके कंस्ट्रक्ट में बहुत अहम रोल अदा किया हो, बार बार वो चीज याद आती हो। देखिए, मैं समझ सकता हूँ अगर मेरे पर किसी ने सबसे ज्यादा छाप डाली तो मेरे पिताजी ने डाली। उन्होंने मुझे हमेशा कहा, सपने देखने को कहा और उन सपनों को साकार करने की उन्होंने हमेशा मुझे मौका दिया और कहा जिंदगी यही है। तो मैं समझ सकता हूँ बचपन से, मैं तो बोर्डिंग स्कूल में रहा, 6 साल की उम्र से मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा, पर सपनों के पीछे अपने हमेशा दौड़ता रहा और मंजिल पाने की कोशिश हमेशा करते रहा। कौन से बोर्डिंग स्कूल में थे आप? सर, मैं देहरादून में था, वहाँ एक डून स्कूल है, मैं डून स्कूल में था। उससे पहले एक प्रेप स्कूल है 6 से, उसमें वेलम प्रेप में था। उसके बाद में तो 6 साल की उम्र में बोर्डिंग स्कूल गया, परंतु पिताजी ने हमेशा किया कि छुट्टियों में हमेशा पड़रौना ले जाते थे कि वहाँ की भाषा से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के माटी से संबंध बने रहे। कहीं भी छुट्टियों में जाते थे पर जब भी छुट्टी में आते थे तो 1 महीना घर पर रहना आवश्यकता होती थी। तो मैं समझ सकता हूँ जो लगाव बचपन से किसी जगह से होता है, इसीलिए वो लगाव आज भी बना है। सिंह साहब, आपने दून स्कूल का जिक्र किया, इस देश की सियासत में दून स्कूल का बहुत अहम रोल है। दून स्कूल बिल्कुल एक अलग दुनिया है, मतलब जिसको हम बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत, तो वहां पे इंडिया था और आज आप पड़रौना लौटे तो भारत। बच्चे को तो इतनी समझ नहीं होती होगी ना कि ये दो अलग अलग देश हैं, तो उस टाइम क्या रिएक्शन रहती थी आपकी कि मैं 11 महीने एक जिंदगी जी रहा हूँ, 1 महीने एक, और जब वापस जा रहे हैं तो वो कैसे चेंज होता था कि पड़रौना से एकदम दून स्कूल वाले मोड में आ गए? कभी ऐसा हो कि, मुझे ध्यान एक बार हमारा भांजा बुंदेलखंड में आया तो हमने उसको बुंदेलखंडी के शब्द सिखा दिए, वापस पुणे के कॉटन स्कूल गया और वो शब्द बोलने लगा तो टीचर से डांट पड़ गई, वैसा कुछ हुआ? नहीं, देखिए, हमें जब मैं स्कूल में था तो वो हमें बिल्कुल साधारण जीवन, हम हमेशा थर्ड क्लास उस जमाने में होता था, जब स्कूल जाते थे तो थर्ड क्लास में ही जाते थे, जब हम लोग कैंपिंग में जाते थे तो बसों ही से चलते थे, गेस्ट हाउसेस में रहते थे, तो साधारण जीवन रहती थी। और उसमें ये नहीं होता था आपके पिता कौन है, सब सामान्य होते थे, भाईचारा होता था। और मैं समझ सकता हूँ उससे एक सीख हुई कि नाम से, जाति से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम पहले नाम से लोगों को जानते थे। तो उस स्कूल ने भी एक सीख दी कि लोगों को फेस वैल्यू पे, उसके काम पर, उसके कर्तव्य पर उसे दोस्ती की जाए या उससे लगाव हो। और सब लोग एक ही यूनिफॉर्म पहनते थे, सब बरोबर थे, वो किसी का बड़े बाप का बेटा हो, छोटे आदमी का बेटा हो, वो सब समांतर। तो मैं समझ सकता हूँ उस स्कूल ने भी एक मुझे ये सिखाया। परंतु आपने बुंदेलखंडी की बात की, मैं क्योंकि हमेशा गांव में रहता तो भोजपुरी भी हम बहुत बढ़िया बतिया लेनी, और भोजपुरी अंग्रेजी तो हम स्कूलवा में सीखनी पर भोजपुरी भी बहुत बढ़िया जानेनी, और भोजपुरी में ही पड़रौना में बतिया ही नहीं। और फिर स्कूल के बाद आप अमेरिका गए? नहीं सर, मैं यहाँ कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं बीए मैंने यहाँ किया, सेंट स्टीवंस में, सेंट स्टीवंस कॉलेज में मैंने हिस्ट्री इतिहास ऑनर्स किया था, तो यहाँ था। और पढ़ने में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, मतलब ये बिल्कुल एक ड्रीम सिलेक्शन की तरह है, किसी सीवी में लिख जाए कि स्टीफन से हिस्ट्री में ऑनर्स किया है, तो क्या बहुत मगिंग करते थे, खेलने मिलने के लिए वक्त नहीं निकलता था? देखिए, लोगों को तुम कॉलेज में तो बुलाया जाता है तगमे देने के लिए, शिक्षा में बहुत अच्छे हैं। मेरे पिताजी माताजी को बुलाया जाता था कि वो नटखट बहुत था, तो कई बार मुझे शिकायत करते थे। देखिए, ऐसा कभी क्लास बंक करना, क्योंकि जो आदमी 12 साल बोर्डिंग स्कूल में रहा हो, जब कॉलेज में आता है तो थोड़ी आज़ादी हो जाती है। तो नटखट अवश्य था, बदमाशी नहीं करता था, तो मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया था पढ़ाई में। हाँ, ठीक था कि एडमिशन हो जाती। लेट 80s। तब के दिल्ली और अब के दिल्ली में क्या फर्क लगता है आपको, खासतौर पे यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो? देखिए, मैं समझ सकता हूँ पिछले 15-20 सालों में जितनी दिल्ली बदली है, हमारे जमाने में मैं समझ सकता हूँ नौजवानों के लिए कहीं जाने की जगह नहीं होती थी,
कोई रेस्टोरेंट फाइव स्टार होटल में पॉकेट मनी होता नहीं था कि वहाँ जा सकते थे। मैं समझ सकता हूँ पिछले 15-20 सालों में जो बदलाव दिल्ली में आया है, नौजवानों के लिए कई ऐसी जगह मिली हैं जो कम पैसों में भी वो अपने को इंजॉय कर सकते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ वो एक बहुत बड़ा फायदा नौजवानों के लिए रहा है। इतनी जगहें, हमारे ज़माने में तो बाहर खाने के लिए माता पिता कहते थे बाहर जाइए, चाय पेप्सी पी के आ जाइए और चुपचाप घर पे खाना खाइए। अब तो मुझे लगता है घर पे बहुत नौजवान जल्दी कभी खाना ही नहीं खाता है, कहीं बर्गर खा के पिज़्ज़ा खा के, और इतने मौके हैं उसको कहीं जाने के और कम दामों पे। मैं समझता हूँ नौजवानों के लिए दिल्ली एक अब बदलाव रहा है। ट्रांसपोर्टेशन को भी देख के आप देखिए, मेट्रो हो या बाकी चीज़ें हों, तो सुविधाएँ आने जाने में, आवागमन में दिल्ली में पहले से बहुत बेहतर हुआ है। सेंट स्टीफेंस के बाद यूएस, आई गेस, सो वाज इट अ नेचुरल प्रोग्रेशन और अ कल्चरल शॉक काइंड ऑफ थिंग? नहीं सर, मैं वहाँ रहना चाहता था इसलिए, पर मेरे पिताजी की कॉलेज के बाद कुछ बाद के बाद अमेरिका जाने की, मेरी शिक्षा की जो सपने थे वो अधूरे रह गए क्योंकि उनका देहांत हो गया और मुझे वापस पढ़वाना, वापस आना पड़ा। और मैं उस समय 25 साल से कम के उम्र का था, तो मुझे वहीं जाके संभालने की, पड़ोना जाने का मौका मिला तो मुझे वहीं रहना पड़ा। उसमें वो जो सपने थे वो साकार नहीं हो सके, और मैं समझ सकता हूँ अच्छा ही रहा कि उस इलाके लेके कुछ कर सका। आरपीएन सिंह को ये कब लगा कि वो सियासत में फिट हैं? फिट तो मैं कभी नहीं हूँ, परंतु क्योंकि उसके बाद जब मैं पड़ोना रहने लग गया और वहाँ की लोगों की जो लोग आए उन्होंने, और कांग्रेस का ज़माना ख़त्म हो चुका था, मैं 90 की बात कर रहा हूँ, 89 में कांग्रेस की कभी सत्ता उसके बाद उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, परंतु 90 में लोगों ने, वहाँ जो लोग थे उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ रहते हैं तो लोगों की समस्याओं के साथ जूझने का काम क्यों नहीं करते हैं, हमारी आवाज़ को क्यों नहीं बुलंद करते हैं। तो उस समय 1990 में मैं कांग्रेस पार्टी को मैंने ग्रहण किया, और 90 और ये 2017 है कांग्रेस में चले आ रहा हूँ, और स्नेह उस इलाके के लोगों को रहा, कांग्रेस पार्टी का रहा, कई बार विधायक हुआ, मंत्री हुआ, एमपी हुआ, कई संगठनों के पद संभाले, तो मैं समझ सकता हूँ ये जर्नी एक सपने जैसे रही है। हमारे कई व्यूअर्स को शायद नहीं पता होगा आरपीएन सिंह की खेती में बहुत दिलचस्पी है, किसान आरपीएन सिंह के बारे में बताइए, क्या उगा रखा है आपने खेत में? नोटबंदी से परेशान है आप, यूरिया नहीं मिल रहा आपके साथ काम करने वालों को, मजदूरों को देने के लिए कैश में पगार नहीं है? नहीं देखिए, अपने परेशानी के बारे में क्या बात करूं, गांव ग्रामीण इलाके में लोगों को जो छोटा किसान है बहुत परेशानी है। आपको बता रहा हूं, गोभी जो किसान बोता है आज के तारीख में, वैसे और सब्जियां हैं, हमारे यहाँ 1-2 रुपया किलो किसान बेच रहा है, उसकी लागत तक नहीं निकल रही है। धान का वही हालत है, बाकी जो सब्जियां बिक रही हैं, तो इस नोटबंदी की वजह से दिक्कत का सामना बहुत करना पड़ रहा है। गरीब आदमी जो है उसको गेहूं का बावक है इस समय, वो नहीं बो पा रहा है। तो इस तरह की, देखिए, काले धन के साथ कोई उसका विरोध नहीं करता, सबको इसमें आगे आना चाहिए, परंतु सोच समझ कर अगर कोई रास्ता निकाला जाए तो बेहतर होता। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? देखिए, हमारे पास कुछ बगीचे हैं लीची और आम के, और उसमें हमारे यहाँ गन्ना एक बहुत बड़ा पहले से एक मेन क्रॉपिंग रहा है, और केले की खेती बहुत हाल में शुरू की गई है। आरपीएन सिंह जब पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते हैं या राजनीति से जुड़ी जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे होते हैं, तब क्या करते हैं? फिल्में देखते हैं, सिटकॉम, सीरीज, म्यूजिक, पबिंग? दो इंडियन पॉलिटिशियंस डोंट एक्सेप्ट इन पब्लिक कि वो शराब पीते होंगे या दोस्तों के साथ जाके रिलैक्स करते होंगे, आई डोंट नो व्हाई। मतलब हम लोगों की जनरेशन को ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी लगती है, अगर कोई 50 या 60 साल का आदमी जो सार्वजनिक जीवन में है, अगर वो मांस खाता है तो खाता है, तो व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस शाकाहारी होंगे और रात में जय हनुमान देख के सो जाते होंगे? नहीं, शाकाहारी तो मैं हूं नहीं, और मैंने कभी भी नहीं कहा, कभी भी शाकाहारी नहीं रहा हूं। मैं समझ सकता हूं, बच्चे जब आपके पास होते हैं तो मौका नहीं मिलता है, उन्हीं को संभालते संभालते मैं समझ सकता हूं जो आपने बात करी और क्लबिंग और पबिंग की बात, मौका ही नहीं मिलता है। जो राजनीति से समय मिलता है तो बच्चों की सपनों को साकार करने में निकल जाता है, तो वो मुझे जहाँ ले जाए, वो मॉल ले जाए या पिक्चर हॉल ले जाए, तो उन्हीं के साथ मौका मिलता है इन सब जगह जाने का, और वही एक एंटरटेनमेंट है, बच्चों का भविष्य बन जाए और उनकी छोटी छोटी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर ले। मैं समझ सकता हूँ माँ बाप के लिए वही एक बहुत बड़ा काम होता है। आप कांग्रेस से जुड़े हैं,
राहुल गांधी के दोस्त हैं ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता है। दिन में कितनी बार आपसे ये पूछा जाता है कि राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी मेरे दोस्त नहीं है, हमारे नेता है। और क्या है कि लोगों को ये मानना है कि लोग चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने, और तमाम लोग इस सवाल को, जैसे आपने पूछा, तमाम लोग हमसे भी पूछते हैं, परंतु जवाब एक ही है, जब बनेंगे तो पूरा देश को बताएंगे, आपके आपके माध्यम से भी बताएंगे। तो मैं समझ सकता हूँ जब समय आएगा, हम सब चाहते हैं, और मैं समझ सकता हूँ जल्द अध्यक्ष बनेंगे, समय और तारीख आपको अवश्य बताएंगे। एक आखिरी सवाल, हाउ इज इट लिविंग विद अ जर्नलिस्ट? मतलब क्या घर में न्यूज बहुत डिस्कस होती है, मैगजीन्स का ढेर लगा रहता है, किसकी क्या हेडलाइन चल रही है, किस बुलेटिन में क्या, और इज इट लाइक अ नॉर्मल होम अफेयर जहां बच्चों को स्कूल जाना है, ब्रेकफास्ट में क्या होना है, किसको ट्रिप पे निकलना है? आई थिंक व्हेन वी एंटर द हाउस शी टेक्स ऑफ हर जर्नलिस्ट हैट एंड आई टेक ऑफ माय पॉलिटिशियन हैट, एंड दैट इज व्हाई वी बीन सक्सेसफुली और हैप्पीली मैरिड फॉर सो मेनी इयर्स, एंड इफ यू हैड कंटिन्यू टू टेक, अगर हम अपने प्रोफेशन को घर में ले जाते तो आप समझ सकते हैं कितना दिक्कत होती। चैनलों पे आजकल देखते ही है ना, जर्नलिस्ट और नेता कैसे भिड़े रहते हैं, तो वो जो है उसको, उस टोपी को उतार के हम घर में घूमते हैं, इसलिए सुखी हैं और चैन से। कोई गाना, कोई नज्म, कोई किताब जो आपको मुश्किल वक्त में बहुत हौसला देती हो? देखिए, लोग कहते नहीं हैं, हाँ, मैं हिंदी गानों से मुझे बहुत लगाव है, और आज के गानों में भी कुछ दिलचस्पी क्यों नहीं है, पर पुराने जो जिस तरह के लिरिक्स होते थे, जिस तरह के वो होते थे, वो सुनने में अगर कुछ उदासी होती है या कोई बेचैनी होती है। कई गाने हैं सर, गाइड के हैं, इस तरह के तमाम ऐसे गाने हैं जिनको हम सुनते हैं और उसमें हमें बहुत फायदा मिलता है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह, अपनी जिंदगी की तमाम नई बातें बताते हुए, सियासत की तरह बहुत तने हुए नहीं थे, आराम से बता रहे थे घर परिवार की चीजें। और जो सबसे अहम चीज मुझे लगी वो ये है कि जब आप अपने घर में दाखिल हों तो अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों और दबावों को पीछे छोड़कर दाखिल हों, ताकि अगले रोज नए सिरे से रिफ्रेश होकर निकल सके। dilalantop.com पर देश की एक और मशहूर हस्ती के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।